दिस इज माई फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग बेबी केयर. जैसे कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी आफ्टर माई प्रेगनेंसी कि बच्चे को कैसे नहलाया जाता है, ठीक है, कैसे मालिश की जाती है. तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चे को कैसे नहलाया जाता है. मेरे पास बाथ टब नहीं था बट अब मेरे पास टब है, तो अब विद टब कैसे नहलाया जाता है. बाद में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि विदाउट टब कैसे नहलाया जाता है. आई वॉन्ट ऑल मदर्स कि आगे से उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए जो मुझे प्रॉब्लम आई है. चलो वीडियो शुरू करते हैं. बच्चे को कैसे नहलाना है. Always love to take bath. इसको हमेशा पसंद आता है नहाना. और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि पानी ज्यादा ठंडा ना हो सर्दियों में, ना ही गर्म. और रूम टेम्परेचर जो होना चाहिए एकदम थोड़ा सा हॉट होना चाहिए. अगर तो आपके घर में डायरेक्ट धूप आती है तो आप अपने पर्दे खोल लीजिए ताकि धूप उससे वार्म हो जाए. तो आप 11 टू 1 के बीच बीच में बच्चे को नहला सकते हो, है ना, मालिश कर सकते हो, ठीक है. सो अगर नहीं आती तो आप एटलीस्ट हीटर लगाओ, रूम टेम्परेचर को थोड़ा वार्म करो ताकि बच्चे को ठंड ना लगे सर्दियों में. बच्चों को थोड़ी सी आप देखो स्लोली स्लोली एटलीस्ट पानी फेंकते रहो. और हाथ से मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ अपने बेबी को कि मेरे को होता है कि नेल्स तो कटिंग हो रखी है बट स्टिल बच्चे को कहीं नेल ना लग जाए, तो मैं वेट वाइप से इसको करती हूँ और थोड़ी मैल वगैरह अच्छे से निकल जाती है बच्चे की. और सॉफ्ट होते हैं वेट वाइप्स तो क्लीन भी होता रहता है हर जगह. थोड़ा सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं कई जगह, तो इट्स बेटर टू यूज वेट वाइप. अगर हाथ से कर सकते हो आपकी मर्जी है, हाथ से भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि मैं वेट वाइप से इसे साफ करूँ, थोड़ा अच्छे से क्लीन हो जाता है. बिकॉज कान के पीछे का एरिया हो गया है ना जैसे, तो वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तो आई यूज वेट वाइप कि इसके साथ साफ हो जाए. हमेशा आई कॉन्टेक्ट रखो अपने बच्चे के साथ और बात करते रहो ताकि बेबी हमारा खुश रहे और बातें करे और इंजॉय करे अपने बात को, है ना. अभी तो मैंने इसकी ऑयलिंग कर दी थी, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसकी ऑयलिंग करूंगी तो आपको जरूर शेयर करूंगी. इसको तो बहुत मजा आता है ऑयलिंग कराने में, तो मे भी आपके बच्चे को भी अच्छा लगे. ये टब जो है मैंने ऑनलाइन लिया था, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. After giving a body bath, अब मैं इसके छुंदर छुंदर से हेयर शेप करूंगी और मुशाप करूंगी. मुझे होता है कि बच्चे को ज़्यादा ठंड ना लगे तो मैं इसे पहले कवर करना पसंद करती हूँ कि हाँ पहले मैं इसे कवर करके अपनी बॉडी को थोड़ी हीट दे दूँ ताकि थोड़े से देर बाद मैं इसका बालों को धो दूँ साथ में. आइस पे पानी ना जाए तो मैं ऐसे करके इसका हेड साफ करती हूँ. मैं यूज़ करती हूँ मदर केयर के प्रोडक्ट्स फॉर बाथ, सो आपको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अच्छे ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है बट मैं मदर केयर के यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं. ईयर्स में ज़रा पानी ना जाए तो उसका करने अवॉइड करें क्योंकि बच्चों के कानों में नहीं जानी चाहिए, पानी को नहीं जाना चाहिए. तो इसी करके मैं वेट वाइप ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि मैं अपने बेबी को मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आए. इसका हेड भी कितना सॉफ्ट होता है, बच्चों का सेंसिटिव होता है, सो कहीं कोई हाथ ना बच जाए इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वेट वाइप ही यूज़ करूँ. आप भी प्लीज़ वेट वाइप यूज़ किया करें अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबी के लिए, धोनी धोनी बेबी के लिए. थोड़ा बच्चा शिवरी फील करता है तो मैं क्या करती हूँ, इसको सबसे पहले इसको अपनी छोटी छोटी मसाज देके इसकी बॉडी को हीट देती हूँ जो कि मेरा बेबी बहुत इंजॉय करता है इसको भी. आप ऐसे करके जैसे कि थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से ऐसे कर सकते हैं जिससे बच्चा वार्म हो जाता है.
आफ्टर गिविंग बाथ ये जल्दी जल्दी ना करें कि बच्चे को जी कपड़े बनाने हैं, ये करना है। बच्चे को पहले हीट दो, अपनी बॉडी से जोड़ के उसे हीट दो और थोड़ा आराम से हाथों को, उसके सिर को थोड़ा सा ऐसे प्रेस करें ताकि उसकी बॉडी में थोड़ी सी हीट आए। जैसे मेरे बेबी को ठंडू लगता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। और उसके बाद आप चाहे इसको थोड़े टाइम बाद कपड़े भी बना दें। अगर ये भूखा है तो इसे पहले ही दूध पिला दें, फीड कर दें, है ना, उसके बाद चाहे कपड़े बनाने, ज़रूरी नहीं है उसी टाइम जल्दी जल्दी कपड़े बनाने। आपने उसे अच्छे से किसी ब्लैंकेट में उसे अच्छे से लपेट दो। एकदम फीड देने के बाद इसे डायरेक्ट ना नहाएं, क्योंकि बच्चे क्या है वॉमिट कर देते हैं, डाइजेस्ट नहीं हुआ होता। तो जैसे अब मैं इसे फीड दी थी, मैंने इसे फीड दिया था अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स पहले, हाफ आवर पहले दी थी। तो उसके बाद मैंने नहला दिया, तो उससे बच्चा भूखा भी नहीं रहता, इंजॉय भी करता है हर एक एक्टिविटी को। सो आज मैं अपने बेबी को ये क्यूट क्यूट से कपड़े पहनाने लगी हूँ, जो मैंने ये लिया है मिनी क्लब से, ठीक है। और ये जो है बॉडी सूट है, H&M से लिया है, ये ऑर्गेनिक कॉटन से बना हुआ है, जो बेबी के रैशेज वगैरह नहीं होते। मैं इनका लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। मेरे बेबी के इतने ओन फट रहे थे कि मैं मतलब चाहती थी कि इसके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढूं, तो ये मैंने यूज़ किया है उसके लिए। ये है सीबा मेड का बेबी लिप बाम, जो कि बहुत यूज़फुल है। मेरे बेबी के लिप्स अब नहीं फटते, अब बहुत क्यूट क्यूट बन गया मेरे बेबी। मेरे बेबी के लिए नज़र का टीका, जो कि मैं आइज़ पे लगाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इससे आइज़ में इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, तो मैं इसे कान के पीछे लगा देती हूँ। और ये हमारा ईवान हो गया रेडी, छोटी छोटू बेबी। नींद आ रही है, बस नींद की तैयारी हो रही है अब हमारी, है ना बेबी। चलो अब हम सोते हैं। गुड नाइट, एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ बेबी के रिगार्डिंग। जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आई, आई वॉन्ट आपको ना आए। सो थैंक यू।